अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। वेलकम टू जी अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहले चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था वो था कुरान मजीद का तआरुफ। तो दूसरे चैप्टर के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमें पढ़ने के लिए मिलेगा हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हदीस लफ्ज़ जो हदीस का वर्ड है वो निकला है हदस से। हदस का मतलब है गुफ्तगू करना। हदस का मतलब है किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू करना। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो करें। हदीस के लफ्जी मैनी बात और गुफ्तगू के हैं। हदीस के जो लफ्जी मैनी हैं वो बात या गुफ्तगू करने के हैं। शरी सलाम में वो कौल अमल जिसकी नस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो हदीस कहलाता है। कौल किसे निकला है? कौल किसे कहते हैं? बात को। कौल किसे कहते हैं? बात। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है कौल। लफ्ज़ कौल किसे कहते हैं? बात। अब इसके अंदर एक और वर्ड यूज हुआ है लफ्ज़ फेल। फेल किसे कहते हैं? काम को। कौल बात को कहते हैं और फेल किसे कहते हैं? किसी काम को कहते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल, अफवाल और तकरीर अब यहाँ पे उन्होंने तीसरा एक नया वर्ड यूज़ किया है। पीछे उन्होंने दो यूज़ किए हैं, एक कौल और दूसरा फेल। कौल बात को कहते हैं और फेल काम को कहते हैं। अब उन्होंने लफ्ज़ तकरीर, ये तकरीर का वर्ड क्यों यूज़ किया? अब तकरीर किसे कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि हदीस किसे कहते हैं, इसका लुगवी और इस्तराही मैनी बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब तीसरा वर्ड उन्होंने साथ यूज कर दिया तकरीर। अब हम देखते हैं कि तकरीर कहते किसे हैं। बुक्स पे तवज्जो करें। यानी कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो, काम मजमुआ हदीस नबवी कहलाता है। अब तकरीर किसे कहते हैं? तकरीर से कौल, फेल और तकरीर क्या, इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने कोई ऐसा अमल किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना ना किया हो, बल्कि क्या किया हो? खामोशी इख्तियार की हो। क्या की हो? खामोशी, ना उसे करने का हुक्म दिया हो, ना ही उससे क्या किया हो? मना किया हो। तो ये क्या है? कौल, फेल और तकरीर। अब इसके अंदर एक ही टॉपिक बयान हुआ, वो क्या है? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत व फजीलत। पीछे कुरान की हम अहमियत व फजीलत तो पढ़ चुके हैं लेकिन हदीस का क्या मकाम है इस्लाम के अंदर? हदीस क्या है? हदीस किस चीज़ का नाम है? तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत व फजीलत। इसकी अहमियत और फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक तीन की तालीमात का सरचश्मा और रशद व हदायत का जरिया है। अगर हम अपनी जिंदगी को हदीस मुबारक के आयन मुताबिक डाल देते हैं, अपनी जिंदगी को हदीस के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, हदीस के मुताबिक, जिस तरह हदीस के अंदर कुरान पाक के अंदर जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, तो फिर इंसान हदायत के ऊपर जिंदगी गुजारेगा तो फिर उससे क्या फायदा हासिल होगा? उससे हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और उससे हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मकासद में से अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तशरीह तफसीर और इसका अमली नमूना फराहम करना है। अमली नमूना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा? अगर काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दंदा मुबारक भी शहीद किए, आप पर जुल्म व सितम किया, तो आपने उनको जुल्म व सितम को क्या किया? बर्दाश्त किया, सब्र से काम लिया। कुरान पाक के अंदर भी है इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो आपने साबित कदमी का दामन हाथ में थामे रखा, आपने किसी दुश्मन के बारे में बदुआ नहीं की बल्कि क्या करते थे? उनको दुआ ही देते थे। तो अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर यही हम अपनी जिंदगी के अंदर ले आए
कि किसी को अगर हमें कोई दुख दर्द तकलीफ दे उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर दे, उस पर सब्र करें तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी भी बहुत, हमारे मुआशरा बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और डियर स्टूडेंट्स, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, अगर हम बदला लेने के काबिल भी हैं, दूसरे बंदे से बदला ले भी सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए क्या कर देना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी समझने का अहम जरिया है। हाँ, कुरान के अंदर क्या है वो हम हदीस से समझ सकते हैं, ठीक है। हदीस को अगर हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है, हम समझ सकते हैं। अगर हम इसको अपने जेन पर सवार कर लेंगे, यार ये तो हमारे जेन के अंदर आता ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते, कहते हैं कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे हो गया। तो बेटा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जब जिसको आप समझे ना या समझने की कोशिश ना करें वो आपके जेन में आ जाए। हमेशा जो प्यासा है वो कुएं के पास चलकर जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन हमारा क्या होता है कि कुआं हमारे पास चल के आए, प्यास तो हमें लगी है, कुएं को तो नहीं लगी, उसके अंदर तो पानी एक सीर तादाद के दिन मौजूद है। तो इसलिए हमें क्या है, हमें जिस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए, जिस चीज़ को पाने की, हमें उसके अंदर क्या करना चाहिए, मजीद अपने आप को पुख्ता कर लेना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को हासिल करना है, इसका मकाम इस जगह पर है और मैंने इस चीज़ को पाकर ही रहना है। बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजिम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं, अपनी ज़िंदगी को हदीस मुबारका के आयन मुताबिक डाल दें, तो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। हमारी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल के मुताबिक होने चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का हुक्म देते हुए फरमाया, तर्जमा सूरत मुहम्मद के अंदर आयत नंबर 33, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूला व ला तुबतिलू आमालकुम। तर्जमा, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात करो, अपने आमाल ज़ाया मत करो। जहाँ पर अल्लाह की अतात का हुक्म दिया गया वहाँ पर रसूल की अतात का भी हुक्म दिया गया है। ये नहीं आप अल्लाह की अतात कर दे रसूल की अतात छोड़ दे, या रसूल की अतात कर दे वहाँ अल्लाह की अतात छोड़ दे, नहीं, करनी है तो दोनों की अतात करनी है। फिर आगे क्या कहा गया, दोनों में से किसी एक को छोड़कर अपने अमाल को ज़ाया मत कर देना। एक और जगह पर इरशाद है सूरत हशर के अंदर आयत नंबर 7, वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फांतहू, और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाए तो उसे ले लो, और जिसे तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ। अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के आयन मुताबिक डाल दे कि जिसे अल्लाह उसका रसूल आपको करने का, अपनी जिंदगी में आपको ये अपनाने का हुक्म दे उसको अपना लें, और जिससे आपको बास करें, जिस तरह के हदीस मुबारका में है कि राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम की आग में है। यहाँ पर रिश्वत की जो मुखालफत की जा रही है, रिश्वत की ममानात बयान की जा रही है, हमें यह हुक्म दिया जा रहा है ना ही हमें रिश्वत लेनी चाहिए और ना हमें रिश्वत देनी चाहिए। रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला दोनों क्या है, जहन्नम की आग में है। इन आयात से हमें यह रहनुमाई मिलती है कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का मेयार हुज़ूर अक़दस की ज़ाते ग्रामी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़वाल व अफ़ाल हैं, कौल बात फेल काम, जो आपने कह दिया है और जो आपने करके दिखा दिया है। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को आपकी तालीमात के मुताबिक डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ऊपर अपनी ज़िंदगी को डाल देंगे, उसके सच्चे में हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो इंशाल्लाह हम दुनिया के अंदर भी तरक्की करेंगे। और इस्लाम तो एक पावर का नाम है, इस्लाम खुद अपनी पावर रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छी गुजारने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के आयन मुताबिक डालना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अंदर एक टॉपिक बयान हुआ है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत व फजीलत। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर आपको कोई वर्ड यूज़ मुश्किल लगा हो या आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेशन के अंदर आप मुझे वो क्वेश्चन भेज दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हदीस मुबारका का आगे स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू जिस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास के सिलेबस के अंदर जो अहादीस मुबारक हैं वो 10 हैं। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम
चार पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक पे तवज्जो करें। पहली हदीस मुबारका, अकमलुल मुमिनीना ईमानन आसानुहुम खुलुका व खियारुहुम खियारुहुम लिनिसाइहिम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका तर्जुमा यह है कि मोमिनों में से कामल तरीन ईमान वाला वो है। कामल तरीन का मतलब है मुकम्मल, कामल मुकम्मल से निकला है। इसका मतलब क्या है? मुकम्मल, जो अपने अखलाक में बेहतरीन है और इनमें सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस मुबारक से हमें क्या सीखने को मिला है कि इसके अंदर ये क्या गया कि मोमिनों के अंदर सबसे बेहतर वो है जो अखलाक के लिहाज से अच्छा है। तो किसी से हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अल्लाह के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? तो आपने कहा कि क्या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा, कुरान पाक का मुताला नहीं किया? तो उन्होंने कहा मैंने कुरान पाक को पढ़ा। कहा कि जो कुछ कुरान पाक के अंदर है वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। इसके इस हदीस के दो पहलू हैं, एक तो ये है कि अखलाक के लिहाज से इंसान अच्छा है, और दूसरा जो पहलू है इनमें सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता है। कुछ ऐसे लोग भी डी स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उन पे तरह तरह की तोहमतें लगाते हैं या उन पर मार कुटाई भी करते हैं, तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो इंसान को अपना अखलाक इतना उम्दा, इतना अच्छा कर लेना चाहिए कि अगर इंसान किसी दूसरे इंसान से गुफ्तगू करता है, तो अगर इंसान दूसरे इंसान से बोलता है तो इंसान का अखलाक उससे वाज़ह ज़ाहिर दिखाई देता है कि इंसान के बोलने का जो तरीका कार वो कैसा है, इंसान का जो अखलाक कैसा है। तो इसलिए इंसान को चाहिए, डियर स्टूडेंट्स हमें भी चाहिए कि हम अखलाक को सबसे ज़्यादा अच्छा कर लें और अपनी बीवियों के साथ क्या करें? अच्छा सलूक करें। नेक्स्ट हदीस नंबर दो देखें, मन लम यरहम सगीरना व यारिफ हक्का कबीरना फलैसा मिन्ना। तर्जमा, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहुंचाता, वो हम में से नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका तर्जमा ये है कि जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता। इस हदीस मुबारका में हमें ये बात सिखाई जा रही है कि हमें अपने बड़ों का अदब व एहतराम करना चाहिए। अब बड़े लोगों के अंदर कौन कौन से लोग आ जाते हैं? उनके अंदर वालदैन भी आ जाते हैं, सातजा कराम भी आ जाते हैं, और हर वो शख्स आ जाता है जो आपसे उम्र के लिहाज से बड़ा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार ये था कि रस्ते के अंदर जा रहे होते थे और ऐसा अनजान शख्स रस्ते में मिल जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सलाम करने में पहल करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस से भी हमें यही सीखने को मिल रहा है कि बेहतरीन शख्स वो है, अच्छा शख्स वो है कि जो हमारे बड़ों का एहतराम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हमें कोई भी बड़ा मिल जाए उम्र के लिहाज से, किसी एक इंसान ही, कोई सहाबा ने यह कहा था कि मैं अपने बड़ों का एहतराम इसलिए करता हूँ। किस वजह से करता हूँ? इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके पास मेरे से ज़्यादा नेकियाँ हैं। और पूछा गया छोटों से प्यार क्यों करते हो, शफकत क्यों करते हो? उन्होंने कहा उनसे मैं शफकत इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके गुनाह मेरे से कम है। वैसे भी हदीस मुबारका के अंदर है कि इंसान को मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, हम किसी इंसान को गुनाहगार खुद नहीं कह सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी हदीस से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए और छोटों से प्यार और शफकत से पेश आना चाहिए। जो बंदा ऐसा नहीं करता उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बड़ों का एहतराम इंसान कैसे कर सकता है? माँ बाप का एहतराम करे जैसे वो कहते हैं, उनको उनका कहा माने, जैसे कि कुरान पाक में भी है कि जब वो बुढ़ापे में पहुँच जाए उनको उफ तक ना कहा जाए, क्योंकि जब हम बचपन के अंदर थे उन्होंने हमारी कितनी अच्छे तरीके से तरबियत की, देखभाल की, और हम इस उम्र तक जब पहुँच जाते हैं तो फिर जो वालदैन होते हैं वो बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? अपने वालदैन का ख्याल रखना चाहिए, उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बुरे अखलाक के साथ, बुरे अल्फाज के साथ उनसे हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हाँ, इंसान वही अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होता है जो अपने सातजा कराम की, अपने से बड़ों की, वालदैन का अदब एहतराम करता है। वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं है कि जो इंसान अपने उस्ताद का अदब एहतराम ना करे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें फिर क्या है, इस हदीस के भी दो पहलू हैं, पहली हदीस के भी दो पहलू थे। इस हदीस के अंदर एक ये है कि हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, और इसका जो दूसरा पहलू है वो है हमें अपने छोटे जो हैं उनसे शफकत से पेश आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे से छोटे होते हैं घर के अंदर उन पर रोब जमाया जाता है,
किस तरह का, मुझे ये काम कर दो, मुझे पानी पिला दो, ये कर दो, फलां कर दो, मतलब कि उनको फारिग बैठने नहीं देते। तो फिर जो वो बच्चा है वो उसका जो वो दूसरों से क्या हो जाता है, बदगुमान बाजन हो जाता है, यार इसके पास बैठने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ये मेरे छोटे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो जब हम किसी बच्चे के साथ अच्छा अखलाक से अच्छे तरीके से पेश आएंगे, वो बच्चा हमारी हर बात को फॉलो भी करेगा, हमारी हर बात को मानेगा भी। मगर हम वही अगर उससे काम लेना चाहें तो उसके साथ अच्छे अंदाज से गुफ्तगू ना करें, उसको बदतमीजी से बुलाएं या उस पर ऊपर अपना रोब जमाएं, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, हमसे बजन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस मुबारका के दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, बड़े से मुराद जो भी हमसे बड़े हैं, और फिर क्या है, छोटे से मुराद जो भी हमसे छोटे हैं उम्र के लिहाज से, हमें उनसे शफकत से पेश आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरी हदीस देखते हैं। अय्युहन्नास उत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलबी फइन्ना नफ्सन ला तमूत हत्ता तस्तवा फी रिज़्क़हा व इन अब्तअहा अन्हा फत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलबी खुदू मा हल्ला वदऊ मा हरम। रेसुलेंस, इसका तर्जमा देखते हैं। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोजी तलब करो, क्योंकि कोई ऐसा इंसान अपने रिज़्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। इसके अंदर, इस हदीस मुबारका के जो पहला हिस्सा, उसके अंदर क्या बयान किया गया है, डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें यही बताया गया है कि इंसान को किससे डरना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, और इंसान को रोजी किससे मांगनी चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, लोगों के सामने हाथ फैला कर जब थक जाएंगे, लोगों से नाउम्मीद हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हम क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे। यही हम क्या करें, अगर अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हाथ उठा के अल्लाह ताला से तलब करें, तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसके दो फायदे होते हैं, और अगर हम यही हाथ लोगों के सामने झुकाएं तो क्या है, इसके दो नुकसान आते हैं। नंबर एक, अगर लोगों के सामने हाथ झुकाएंगे तो क्या होगा, हमें एक तो फिर ये टेंशन लगी रहेगी कि हमने जो चीज़ किसी इंसान से, अपने दोस्त से उधार ली, हमने वो चीज़ उसको वापस करनी, वो चीज़ हमने उसको लुटानी है। और नंबर दो, फिर हमें अपनी इज्जत का बहुत बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है कि हो सकता है कि 10 हम अपने दोस्तों के अंदर बैठे हुए हों, मजलिस के अंदर बैठे हों, और वो शख्स खड़ा होकर कह दे कि तेरी औकात ही इतनी है कि तूने मेरे से फलां चीज़ उधार ली, तो अभी तक तूने उसको वापस नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है कि लोगों के सामने हाथ फैलाया जाए, और अगर इंसान अपने रब के सामने हाथ फैलाता है तो उसका फवायद ही फवायद है, नुकसान कुछ भी नहीं है। एक तो यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है और अल्लाह ताला उसको नवाजता है, और यहां तक आता है कि अगर इंसान को नमक भी जरूरत पड़ जाए, इंसान को नमक भी चाहिए, तो वह किससे मांगे, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाए। और दूसरा फायदा यह होगा कि अगर हम अल्लाह ताला से लेते हैं तो हमें उससे वापस करने का भी नहीं होता कि हमने अल्लाह ताला को वापस करना, क्योंकि वो अपने बंदे को अता कर देता है और अपने बंदे से वापस नहीं लेता। तो डियर स्टूडेंट्स, अगरचे इसमें देर हो जाए, चुनाचे अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोजी तलब करो, जो हलाल है वो ले लो, जो हराम है उसे छोड़ दो। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर क्या होता है, हमें हलाल और हराम के अंदर कोई तमीज़ नहीं होती, हम ये चाहते हैं कि बस पैसा आता जाए, माल दौलत हमारे पास आती जाए, और हम उस पर क्या करते जाएं, उसको हड़प करते जाएं, उसे खाते जाएं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें उसको अपनी आल औलाद के लिए क्या करते जाएं, उसको जमा करते जाएं, बैंक बैलेंस बनाते जाएं। लेकिन हमें इसका ये है कि इस बात को हम नहीं सोचते, इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने जन्नत में देखा कि जन्नत के अंदर गरीब लोग ज़्यादा हैं, जो अमीर लोग हैं वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, जन्नती औरतें जो अमीर हैं वो भी जन्नत के दरवाजों पर हैं, और मर्द भी। क्यों, जो औरतें अमीर हैं उन्होंने 100-100 तोले, कितने कितने तोले सोने का इस्तेमाल करती हैं, और क़यामत के दिन जितना इस्तेमाल किया जाएगा दुनिया के अंदर उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन जो बेचारा एक गरीब है, हलाल तरीके से रोज़ी कमा कर लाता है, हलाल तरीके से अपने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को खिलाता है, और हदीस मुबारका में भी है कि वो हाथ की हलाल कमाई कमाने वाला, हलाल कमाई कमाने वाला अल्लाह ताला का रफीक यानी वो दोस्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इंसान के मुकद्दर में जो चीज लिख दी गई है तो उस हदीस में क्या है, उसके अंदर देर तो हो सकती है, उसके अंदर देर हो सकती है, लेकिन इंसान को वो चीज लाजमी मिलेगी। अगर इंसान के मुकद्दर के अंदर कोई चीज़ नहीं है, इंसान के दोनों होंठों के दरमियान वो चीज़ मौजूद है,
इंसान के मुकद्दर में वो चीज़ नहीं है तो इंसान उसको हलक से नीचे नहीं लेके जा सकता। अगर कोई चीज़ पहाड़ों की तहों के अंदर पड़ी हुई है, वो इंसान के मुकद्दर के अंदर है, तो वो इंसान को मिलकर ही रहनी है। वैसे भी कुरान मजीद के अंदर है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतर रिज्क देने वाला है। एक और जगह पे है कि अल्लाह ताला अंधेरी रात हो और अंधेरा एक काले रंग का पत्थर हो, पत्थर भी पहाड़ के ऊपर पड़ा हुआ हो, एक अंधेरी काली रात है और एक पहाड़ है, पहाड़ भी काले कलर का है। अब पहाड़ के ऊपर एक काले रंग का बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कीड़ा है, अल्लाह ताला तो उसको भी रिस्क देता है। ऐ इंसान, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, हम क्या इस बात को सोचते हैं कि अगर बच्चे या बच्चे की शादी कर दी जाएगी तो घर के खराजात बढ़ जाएंगे? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतर रिस्क देने वाला है। जो हमें बचपन से लेकर अब तक रिस्क दे रहा है, बचपन से लेकर अब तक रिस्क दे रहा है, बताएं वो जब हमारी शादी हो जाती है या करके खराजात बढ़ जाते हैं या बच्चे आल औलाद पैदा हो जाती है, क्या हमें उस वक्त रिस्क नहीं देगा? क्यों? उसने तो अपने बंदे के साथ रिस्क का वादा कर लिया है, वो तो अपने बंदे को नवाजता है। वो ये नहीं देखता कि ये बंदा मेरी नमाज पढ़ता है तो मैं इसको रिस्क दूंगा, ये बंदा मेरी नाफरमानी करता है मैं इसको रिस्क नहीं दूंगा। क्यों? अल्लाह ताला तो उसको रिस्क भी देता है जो उसकी नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला तो उसको रिस्क भी देता है जो उसकी इबादत करता है। और बाद औकात ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अगर रिस्क की फरावानी हो, रिज़्क़ की फरावानी हो, तो उसके अंदर खुश रहते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात को गौर से सुन ले कि ये जो शुक्र होता है वो अल्लाह ताला का होता है और शुक्रिया बंदे का अदा किया जाता है। तो अगर उनके पास रिज़्क़ की फरावानी हो तो वो उसमें क्या करते हैं? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अगर उनके घर के हालात कुछ देर के लिए ख़राब हो जाएं तो वो क्या करते हैं? उसके अंदर अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को बुलंद दर्जे पर फाइज करना चाहता है, बुलंद दर्जे पर फाइज करना चाहता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे के उतनी ही सख्त इम्तिहान से उसको गुजारता है, उतने ही दुश्वार रास्तों से अपने बंदे को गुजारता है कि ये बंदा खुशी के अंदर तो मेरा शुक्रगुजार रहा, सब्र करता रहा। कुरान पाक के सब्र की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है, इन्ना अल्लाहा मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब उनके ऊपर मुश्किलात आती हैं तो उसके अंदर ना शुक्री करते हैं। अल्लाह ताला जब अपने बंदे को बुलंद दर्जे पर फाइज करना चाहता है तो उसका इम्तिहान लेता है, ये बंदे के पास इतनी चीज़ें तो थी, इसके अंदर तो उसने सब्र शुक्र का शुक्र करता रहा है, लेकिन अगर मैं इसका इम्तिहान लेना चाहूँ, ये बंदा उस वक्त मेरी ना शुक्री तो नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसान की ज़िंदगी के अंदर अच्छे और बुरे लम्हात आते रहते हैं, और सूरत रहमान के अंदर भी तीन पहलू बयान किए गए, जिनमें से एक पहलू ये है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात के बाद आसानी है। अगर इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात के बाद आसानी ना होती तो इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का मज़ा ना आता। इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी आती रहती हैं, आसानियां भी आती रहती हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि उसके अंदर सब्र से काम लें, अगर मुश्किलात आ गई हैं उस मुश्किलात का डटकर मुकाबला करें, उस मुश्किलात के अंदर लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर हम अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाएँ। और किसी ने यह भी बहुत अच्छी मिसाल दी थी, किसी के सामने ये हाथ करने से बेहतर है ये हाथ है, किसी को दिया जाए, किसी को अता किया जाए। लेकिन आजकल के मुआशरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी को देने के वक्त हम उसको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, और लेकिन अगर किसी को हम देते हैं तो हमारे माल के अंदर कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला उसके अंदर इजाफा फरमाता है, उसके अंदर अल्लाह ताला और चीज़ें ऐड कर देता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला के रस्ते के अंदर भी माल सदका खैरात फितराना वगैरह हमें देते रहना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस के अंदर से हमें क्या सीखने के लिए मिला है? ऐ लोगों, अल्लाह ताला से रोजी तलाश करो, लोगों के पास ना जो लोगों, लोग कौन होते हैं, कौन सा इंसान है कोई अगर आपको कोई दे रहा है, कोई आपका मामू चाचू ताया दादा जो भी आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है, वो कुछ वक्त के लिए है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए, और कुछ वक्त के साथ आप उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, वो आपकी हेल्प करना, आपकी मदद करना छोड़ देंगे, आपसे वो अलग हो जाएंगे, आपसे ताल्लुक ख़त्म कर देंगे, कता ताल्लुक हो जाएंगे। लेकिन इंसान अपने रब के साथ जब ताल्लुक जोड़ लेता है, राबता मजबूत कर लेता है, अगर इंसान गुनाहगार भी है, अल्लाह ताला उस बंदे को भी रिस्क देता है,
अगर इंसान नेक है अल्लाह ताला उसको भी रिस्क देता है। ये नहीं है कि गरीब को ज़्यादा रिस्क देगा, अमीर को कम देगा, या जो नेक है उनको ज़्यादा देता है, जो गुनाहगार उनको कम। नहीं, अल्लाह ताला सबको एक जैसा रिस्क देता है। वो इंसान की किस्मत है अगर किसी इंसान के पास ज़्यादा पैसे हैं या किसी के पास कम है। टुडे स्टूडेंट्स, हमें इस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर आजकल किसे वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू रह गई हमारे माशरे के अंदर। इंसान की कदर और वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ आजकल के हमारे माशरे के अंदर जो वैल्यू है वो किस चीज़ की है? पैसे की। जिस बंदे के पास पैसा है वो बंदा आजकल के माशरे के अंदर कामयाब है, लेकिन कामयाब पैसे वाला तो नहीं है। कामयाब तो वो है जो पांच वक्त की नमाज अदा करता है, अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के आयन मुताबिक डालता है, कुरान और हदीस के आयन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जी रहा। कामयाब तो वो है। ये तो माशरे की दुनिया की नज़रों के अंदर कामयाब शख्स वो बना हुआ है, लेकिन हमने कुरान हदीस की रोशनी में देखा, लेकिन कुरान हदीस में कहाँ भी किसी भी जगह पे ये जिक्र नहीं हुआ कि जिसके पास माल और दौलत है वो लोगों की नज़रों में ज़्यादा अच्छा है, वो लोगों से अच्छा नहीं, लोगों से वो अच्छा नहीं है। लोगों से में से अच्छा वो है जो तुम्हें अखलाक के लिहाज से अच्छा है। यहाँ पे जो नमाज पढ़ता है वो लोगों में से अच्छा है, लेकिन ये तो हमारी नज़रों के अंदर है कि हमने माशरे के अंदर पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रखी है, लेकिन हमारी गली के अंदर भी उसी लोगों को, उसी लोग को, उसी घर वाले को ज़्यादा अहमियत और उसी लोगों का अदब एहतराम किया जाता है जिनके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है हम उसको क्या करते हैं? नज़रअंदाज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यह हदीस थी। हमें रिस्क से इसका जो मफहूम है, हमें अल्लाह ताला से रिस्क मांगना चाहिए। जो इंसान के मुकद्दर के अंदर अल्लाह ताला ने लिख दिया है, जैसा भी हो जाए इंसान को वो मिलकर ही रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हदीस नंबर 4 देखते हैं। मन अहब्बा अय्युब सता लहू फी रिज़िक फी रिज़्किही वायुन सा अलाहू फी आसारी ही फल यासिन राहिमाहू। जो चाहता है कि इसके रिजक में वसत की जाए। वसत वसी से निकला, वसी का मतलब है किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। पहले चीज़ कम थी, कलील थी, उस चीज़ के अंदर वसी होगी, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ का ऐड हो जाना, और उसकी उम्र लंबी हो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस मुबारका के अंदर हमें क्या सबक दिया जा रहा है? ये सबक दिया जा रहा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे रिज़्क के अंदर वसी हो जाए, जो हमारा रिज़्क है उसके अंदर वसत आ जाए, हमारा रिज़्क पहले से ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। लेकिन आजकल के मौजूदा दौरे हालात के अंदर हम क्या करते हैं, ये रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा किया, हम इसके साथ कतई ताल्लुक कर देते हैं, इससे जो ताल्लुक हमारा है वो ख़त्म है। हमने इनसे ये चीज़ मांगी थी, इन्होंने हमें ये चीज़ नहीं दी, इनसे हमारा ताल्लुक ख़त्म है। हमारे मुआशरे के अंदर छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने की वजह से लोग रिश्तेदारियाँ क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हदीस मुबारका के अंदर है, हदीस के अंदर जो कह दिया है वो सच है, वो हक पर मबनी बात है। जो चाहता है इसके रिज़क के अंदर वसत है, उसका रिज़क वसी हो जाए, बढ़ जाए पहले से रिज़क, और उसकी उम्र लंबी हो, उसकी उम्र भी लंबी हो जाए, अपने रिश्तेदारों के साथ वो अच्छा सलूक करे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है। वो किस तरीके से हम उनके साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं? अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस पर सब्र का दामन थाम लेना चाहिए। क्यों? क़यामत वाले दिन जो इंसान किसी के साथ बुरा कर रहा है, अल्लाह ताला बेहतर इंतकाम लेने वाला है, बेहतर बदला लेने वाला है। जैसा हमारे साथ किसी ने किया, हम किसी इंसान से अच्छा बदला नहीं ले सकते जितना अल्लाह ताला बदला ले सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? सब्र का दामन थाम लेना चाहिए। और बेशक कुरान पाक के अंदर भी है, इन्नल्लाहु मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो हमें हमेशा सब्र का दामन थाम के रखना चाहिए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो अगर हम भी उसके साथ बुरा करेंगे, किसने हमारे साथ ऐसा किया और मैं भी इसके साथ ऐसा करूँ, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे उसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचेगा। हमें अपने और दूसरे बंदे के दरमियान फ़र्क करना है। जिस तरह काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में आप पर ओजरी फेंक दी, आपको इतना जुल्म सितम कि आपके रस्ते के अंदर कांटे बिछाते, नौज़ बिल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नंदा मुबारक उन्होंने शहीद कर दिए, लेकिन आपने उनको बदवा नहीं दी उनके, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी क्या उनसे बदला नहीं ले सकते थे? क्या सहाबा उनसे बदला नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे? मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हमारी ज़िंदगी में उन्होंने हमें सबक सिखाया कि काफ़रों ने मुझे पत्थर मारा, हम तो मुसलमान भाई की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, हमें क्या चाहिए हम दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि मुसलमान को आपस में क्या है, भाई भाई हैं। तो काफ़रों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई बुरा भला नहीं कहा, उनको कोई बदुआ नहीं दी, उनसे क्या है बल्कि क्या किया, उनके लिए दुआ करते रहे और उनको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। टुडे स्टूडेंट्स, आज हमने 4 हदीस पढ़ी हैं, तो अगर आपको इन हदीस के मुतल्लिक कुछ आपको समझ नहीं लगी, किसी वर्ड की समझ नहीं आई, तो कमेंट सेशन के अंदर डे स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। थे इंशाल्लाह आज हम 5 से लेकर 7 तक 3 हदीस 5, 6 और 7 का ताला करेंगे। तो डे स्टूडेंट्स हदीस नंबर 5 देखते हैं। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कबाइर काला अश्शिर्कु बिल्लाही वकूकुल वालिदैनी वकतलुन नफ्स वकौलु ज़ूर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस मुबारका के 4 पहलू बयान किए गए हैं। इस हदीस मुबारका में गुनाह कबीरा किसे कहा गया है, वो 4 पहलू बयान किए गए हैं। गुनाह कबीरा किसे कहते हैं, बड़ा गुनाह। किसे कहते हैं, कबीरा किसे कहते हैं, बड़े गुनाह को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि सबसे पहला बड़ा गुनाह कौन सा है, अल्लाह के साथ शिरक करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहरा देना। वो शिरक किसी भी में हो, शिरक की 3 अकसाम हैं, ज़ात में शिरक, सफ़ात में शिरक और सफ़ात के तकाज़ों के अंदर शिरक। इन डी स्टूडेंट्स इन तीनों ज़ात और सफ़ात, सफ़ात के तकाज़ों के अंदर जो भी शिरक करेगा वो शिरक ही कहलाएगा। तो डी स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी फरमाया है कि शिरक बारी जुल्म है। अल्लाह ताला अगर किसी इंसान के इतने गुनाह हैं कि वो उस समंदर की जा के बराबर हैं, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर आकर तौबा इस्तगफार करता है, तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसके गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है कि जो इंसान बख्शिश भी मांगता रहे, अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ़ नहीं करता। अब शिर्क क्या है, किस चीज़ का नाम शिर्क है? जिस तरह के रात को चांद और सितारे होते हैं, सुबह का वक्त सूरज होता है, फिर बारिश का आना, बादलों का आना, हवा का चलना और निज़ाम सुबह का और रात का निज़ाम चलना। कुरान पाक के अंदर भी है कि रात के जाने और दिन के आने के अंदर अकल वालों के लिए क्या है, निशानियां हैं। वो अकल वालों के लिए उसके अंदर क्या निशानियां बयान की गई हैं, वो यही निशानियाँ बयान की गई हैं कि इस कायनात का निज़ाम चलाने वाला कोई मौजूद है। अब इस कायनात का राज जा रही है, दिन आ रहा, दिन जा रहा, रात जा रही है, तो इसे हमें क्या पता चलता है, सुबह के वक्त सूरज निकलता है, फिर वो ग्रूब हो जाता है, फिर चांद सारे निकल आते हैं, फिर जब बादल हो तो चांद सारे भी नज़र नहीं आते, तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, हमें इससे ये पता चलता है कि इस कायनात का निज़ाम चलाने वाला मौजूद है। तो सबसे बड़ा जो शिर्क इससे कहा गया है वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शिर्क करना। अब इन लोग क्या करते हैं, दरबार वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर सजदा करते हैं, लेकिन ये भी शिर्क है। अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है और इसे ही हमें समझना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, दरबारों पर जाकर क्या करते हैं, सजदा करते हैं, ये भी शिर्क। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना ये भी क्या है, शिर्क है। टुडे स्टूडेंट्स दूसरा देखते हैं, वालदैन की नाफरमानी करना। जो लोग अपने वालदैन की नाफरमानी करते हैं वो भी क्या है, बड़े गुनाहों में से है। लेकिन कुरान पाक के अंदर क्या कहा गया है कि जब वालदैन बढ़ापे को पहुंच जाए उनको उफ तक ना कहा जाए। लेकिन आजकल के हमारे मुआशरे की जो सूरत हाल, बिगड़ती हुई सूरत हाल, आजकल मुआशरे के अंदर वालदैन को गाली गलौच भी दी जाती है, वालदैन का कत्लो गारत भी किया जाता है, वालदैन के साथ ऐसे बद अखलाकी से बात की जाती है कि जिसकी हमें इस्लाम कुरान हदीस उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, बल्कि उसे मना रहने का हुक्म देता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, वालदैन की नाफरमानी करना, लेकिन ये भी तो आपने सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक वाक्य आपको अर्ज करता चलूँ कि एक दफ़ा ना एक बूढ़ा बच्चा ना अपनी बूढ़ी माँ को धक्का देने के लिए ना बाहर पहाड़ के ऊपर लेकर गया। तो
उसने ना उसको धक्का देने के लिए ना सबसे बुलंद पहाड़ को मुंतखब किया कि मैं यहाँ से धक्का दूंगा ताकि नीचे गिरते गिरते जो क्या है मेरा वालिद है या वालदा है वो क्या कर जे, इंतकाल कर जे, फोत हो जे। जब वो बुलंद पहाड़ पर लेकर गया अपने बाप को तो वो धक्का देने लगा तो उसके बाप ने कहा मुझे इस पहाड़ के ऊपर नहीं, इस पहाड़ पे नहीं बल्कि वो जो सामने वाला बड़ा पहाड़ है ना इसके ऊपर लेकर जाओ। वो उसने वजह पूछी कि पहाड़ ये भी है वो भी पहाड़ है लेकिन उस पे ऊपर क्यों लेकर जाने को कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बाप को धक्का दिया था ना वो सामने वाला जो पहाड़ बुलंद दर्जे बुलंद सतह पर है ना वहाँ से अपने बाप को धक्का दिया था, अब जब उसकी औलाद जवान हुई है तो वो उसको धक्का देने के लिए कहाँ पर ले गए हैं, पहाड़ की बुलंद सतह पर। तो डिस्ट्रेंस ये कहा गया कि जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। तो इसलिए इंसानों को हमें भी चाहिए कि हम डिस्ट्रेंस हमें चाहिए कि हम अपने वालदैन की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। डिस्ट्रेंस नंबर 3, कत्ल करना। हदीस मुबारका के अंदर बड़ा गुनाह जिसे कहा गया है, कबीरा गुनाह जिसे कहा गया है, वो क्या है, कत्ल है। कुरान मजीद के अंदर है कि कत्ल का बदला खून का बदला खून है, लेकिन यहाँ पे कत्ल, लेकिन 3 कत्ल ऐसे हैं कि जो कि उसका खून का बदला खून नहीं है। एक तो वो है कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए, अल्लाह ताला के खुद खुदाई का दावा करे, या अल्लाह के नबी, जैसे कि हदीस मुबारका में है कि मनसब्बा नबीन फ़क्तलू, जो अल्लाह के नबी के बारे में कोई बात करे फ़क्तलू, हुक्म दिया जा रहा है कि बस तुम उसे कत्ल कर दो। और नंबर 3 पे, अगर कोई मर्द शादीशुदा है तो किसी गैर और महरम औरत के साथ कोई गलत काम करता है जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता तो फिर क्या है, उसकी सजा भी क्या है, कत्ल है, कि उसको भी कत्ल कर दिया जाए। तो ये इस्लाम के अंदर 3 कत्ल जायज़ हैं, बाकी खून का बदला खून है। तो डे स्टूडेंट्स, किसी बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि हाँ हो सकता है कि इंसान गलती से किसी को कत्ल कर दे और कत्ल भी कर दे और वो भी गलती से कर दे। डे स्टूडेंट्स, नामुमकिन, ऐसा मुहाल ऐसा नहीं हो सकता। जो भी कोई ऐसा करता है दिल के पुख्ता इरादे के साथ ही उसकी नीयत होती है, लेकिन फिर क्या है, खून का बदला खून ही है। डे स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हदीस के चौथा पहलू क्या है। नंबर 4, झूठ बोलना। आजकल के मुआशरे के अंदर झूठ बहुत आम हो चुका है। क्या है, झूठ बोलना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की अलामात बताई। मुनाफिकीन का दर्जा कुफार के दर्जे से भी नीचे है। जहन्नम के 7 दर्जे हैं, सबसे निचला दर्जा किसका है, मुनाफिकीन का है। और काफिर, जो काफिर लोग हैं, कुफार लोग हैं, उनका दर्जा ऊपर है और मुनाफिकीन का नीचे है। डे स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ अपनी अलामात के साथ पहुँचानी जाती है, तो मैं आपको मुनाफिकीन की अलामात बता के फिर हम नेक्स्ट हदीस की तरफ बढ़ते हैं। तो डे स्टूडेंट्स, अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारका में है कि मुनाफिकीन की 4 अलामात हैं। नंबर 1, जब वो वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। नंबर 2, जब लड़ाई झगड़ा करे तो वो गाली देता है। नंबर 3, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें क्या करता है, वो खयानत करता है। और नंबर 4, जो इस हदीस के चौथा पहलू है, ये है कि जब वो बोले तो क्या करे, लड़ाई झगड़ा करे तो गाली देता है, और जब बोलता है तो क्या करता है, डी स्टूडेंट्स, झूठ बोलता है। झूठ बोलना ये मुनाफिकीन की अलामत में से है। अभी मैंने डी स्टूडेंट्स आपको 4 बताई हैं। तो सहाबा ने इसकी, या रसूलल्लाह, अगर किसी के अंदर 4 में से 1 भी पाए जाए क्या वो भी मुनाफिक है, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हाँ अगर किसी के अंदर 4 नहीं पाई जाती, 1 पाई जाती है तो वो भी क्या है, वो भी मुनाफिक है। डे स्टूडेंट्स, आजकल मौजूदा मुआशरे की सूरत हाल के मुताबिक वैसे हदीस मुबारका में है कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, लेकिन हमें अच्छा रखना भी चाहिए, लेकिन आजकल के मुआशरे के अंदर जो मुनाफिकीन की 4 अलामत है ये बहुत आम हो चुकी हैं, बहुत आम हो चुकी हैं। तो डे स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हमें इससे बचा जा सके। तो डे स्टूडेंट्स, ये हमने हदीस नंबर 5 पढ़ी है, इसके 4 पहलू हैं। इसमें कबीरा गुनाह किसे कहा गया है, नंबर 1 है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, नंबर 2 वालदैन की नाफरमानी करना, नंबर 3 कत्ल करना, और नंबर 4 है झूठ बोलना। तो डे स्टूडेंट्स, अब हदीस नंबर 6 देखते हैं। इन्ना खवानकुम खौलुकुम खवालकुम जालमुल्लाहु तहता अईदीकुम फमा काना अखूहु तहता यदी फलयुतइम मिम्मा याकुलु वलयुलबिसुहु मिम्मा यलबसु वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम फइन कलफ्तुमूहुम मा यगलिबुहुम फआईनुहुम। डी स्टूडेंट्स, इस हदीस के
पहलू के अंदर हमें चार पहलू देखने के मिलेंगे। जिस तरह ऊपर वाली हदीस के अंदर कबीरा गुना चार चीज़ों को कहा गया है, तो इसके अंदर भी हमें चार पहलू देखने के लिए मिलेंगे। पहले डी सुन, इसका तर्जमा देख लें। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, इन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत रखा है। मातहत का मतलब है नीचे, आप उससे चले बुलंद दर्जे पे थोड़े से हैं, वो आपसे निचले दर्जे पे है। चुनाचे जिस शख्स का भाई, इसके मातहदुल लफ्ज से भाई का इस्तेमाल किया गया है, इसे चाहिए कि इसे वही खिलाए जो खुद खाता है, और उसे वही पहनाए जो खुद पहनता है, और इनसे वो काम ना ले जो इनकी ताकत से ज्यादा हो, और अगर ऐसे काम की इन्हें जहमत दे तो खुद भी इनका हाथ बटाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत रखा है। तहत का मतलब क्या होता है? नीचे। तहत नीचे को बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लफ्से फोक अरबी जबान का वर्ल्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर। तहत का मतलब नीचे और लफ्ज़े फौ का मतलब क्या है? ऊपर। डिस्टूडेंट्स, इसके पहले इसे जो पहला इसका पहलू है हदीस मुबारका का, हदीस नंबर 6 का, इसके अंदर तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे अगर मातहत रख दिया है कि जो आपने कहना वो आपका हुक्म मानेंगे, लेकिन इसके बरक्स आपको नहीं चलना चाहिए। अब वो अगर आपके मातहत चल रहे हैं, आप जो उनको काम कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर डे स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए? देखें, वही खिलाएं जो खाता है, जैसा खुद अच्छा खाता है उनको भी वैसा खिलाए। ये नहीं खुद अच्छा खाए और उनको ऐसा करे, खुद 500-1000 वाली चीज खाता और उनको 10-20 वाली चीज ला कर दे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे, वही पहनाए जो पहनता है। ये ना हो कि जब खुद कपड़े पहने हो तो अच्छे महंगे हों, ब्रांडेड कपड़े हों, लेकिन अगर कोई गुलाम को देने हो या किसी गरीब को देने हो तो उसके अंदर क्या करे, उसको सस्ते कपड़े लेकर दे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, वो काम ना लो जो उनकी ताकत से ज्यादा हो। ये बात औकात ऐसे होता है कि अपने गुलामों से और अपने जो नौकर घरों में रखे होते हैं उनसे ऐसा वजनी काम लेते हैं कि जिसकी इस्तेता वो बेचारे ताकत नहीं रखते, और उनको कहते हैं कि आपको हम तनख्वाह नहीं देते, तरह तरह की उन पर बातें सुनाते हैं उनको। लेकिन इसमें क्या हदीस मुबारका में क्या कहा गया है? वो काम ना लो जो इनकी ताकत से ज्यादा हो। अगर ऐसे काम की उनको जहमत दो तो वो खुद उनका हाथ बटाओ। अगर काम ऐसा मुश्किल है कि वो एक बंदे से नहीं हो सकता, वो अकेला बंदा उस काम को सर अंजाम नहीं दे सकता, तो क्या है, आप उसका उसमें हाथ बटाओ। हाथ बढ़ाने से क्या होगा? कुछ फर्क नहीं इंसान को पड़ता। अगर आप अमीर हैं तो वो गरीब हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नमाज पढ़ने के इंसान जब नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला के घर में जाता है तो अमीर गरीब वहां पर नमाज के अंदर तो ये नहीं होता अमीर पहले सफों में आ जाए गरीब पीछे चले जाए, ऐसा तो नहीं है। सब वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर अल्लाह के बाजूर सजदा करने के लिए खड़े होते हैं, तो वहां पर अमीर गरीब का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, सब एक ही लाइन के अंदर खड़े होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने बंदे को कहा था, मेरे बंदे मैंने तेरे से खाना मांगा था, तूने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया था। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझसे कपड़े मांगे थे, मैंने तुझसे कपड़े का सवाल किया था, लेकिन तूने मुझे कपड़े देने से इनकार कर दिया था। और वो बंदा परेशान होगा, या अल्लाह ताला, हम तो तेरे मोहताज से, तू तो हमारा मोहताज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या है कि तूने मुझसे कपड़े मांगे, तू खुदा है, वाहदा उला शरीक है, सारी कायनात का मालिक खालिक तू है, और तूने मुझसे कपड़े मांगे और मैंने कपड़े नहीं दिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरा फलां बंदा तेरे पास कपड़े लेने के लिए आया था, गोया कि तूने मेरे बंदे को इनकार किया, गोया कि मुझे इनकार किया। मेरा फलां बंदा तेरे पास खाना लेने के लिए आया था, तूने उसको खाना देने से इनकार किया, मेरे बंदे को इनकार किया, गोया कि तूने मुझे इनकार किया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे से छोटा, अगर 6-7 माह का बच्चा या 2-3 साल का बच्चा है, तो अगर कोई उसको बुरा भला कह दे या उसको कुछ कह दे तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता। वो एक माँ जितना प्यार कर रही है अपने बच्चे से, अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें भी चाहिए हम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी ना करें, बल्कि हमें चाहिए अल्लाह उसके रसूल की अतात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो डियर स्टूडेंट्स, हदीस नंबर 6 के हमें 3 पहलू मिले हैं। तुम्हारे गुलाम जो तुम्हारे, वो क्या हैं? तुम्हारे भाई हैं, लेकिन वो क्या है? वो तुम्हारे माता है, तुम्हारे नीचे चल रहे हैं, जो तुमने उन्हें कहना उन्होंने वही करना है। नंबर 2, वही खिलाए उनको जो खुद खाता है।
नंबर तीन, वो ही पहने जो उनको पहनाए जो खुद पहनता है, और अगर कोई ऐसा काम आ जाए जो दुश्वार हो, वो अकेला बंदा नहीं कर सकता, तो उसके साथ उनका हाथ बटाया जाए। तो डे स्टूडेंट्स, यह थी हदीस नंबर 6। अब हदीस नंबर 7 देखते हैं, बुक्स पे तवज्जो करें। मन उफ्तिया बिगैरी इल्मिन काना इस्मुहु अला मन अफ्ताहु वमन अशारा अला अखीहि बिअम्रिन यालमु अन्न रुश्दा फी गैरिही फकद फकद खानहु। डे स्टूडेंट्स, तर्जमा देखें। जिस शख्स को किसी ने इल्म के बगैर फतवा दिया तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा, और जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि इसे इल्म था के बलाई इसके अलावा है, तो इसने इसमें खयानत की। तो डे स्टूडेंट्स, हदीस नंबर 7 के कई पहलू बयान किए गए इसके अंदर। जिस शख्स ने इल्म के बगैर फतवा, डे स्टूडेंट फतवा किसे कहते हैं, बाद फतवा ये होता है कि 8 साल दरस निज़ामी करने के बाद 2 साल फिर कोर्स किया जाता है मुफ्ती का, फिर मुफ्ती करने वाला बंदा क्या होता है, वो हर कोई एक आम इंसान बंदा फतवा नहीं दे सकता। अब जो वो फतवा क्या होता है, अगर मर्द ने अपनी बीवी को ये कह दिया कि 3 मरतबा तुझे तलाक है तलाक है तलाक, 3 मरतबा कहने से उसको तलाक हो गई, लेकिन बाद में वो क्या फतवा लेकर लोगों के कारी साहबान के पास या उलमाए कराम के पास जब जाते हैं, मैंने दूसरी 2 तलाकें दी थी, जब 3री तलाक देने लगा तो लोगों ने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख लिया, तो क्या इससे तलाक वाकई होगी या नहीं होगी। अब डे स्टूडेंट्स, इसका जवाब तो वही इंसान दे सकता है कि जिसके पास नॉलेज है, जो इस चीज़ का इल्म रखता है। अब एक जाहिल बंदे के पास कोई चला जाए, ठीक है, वो ये कहे कि ये ऐसा काम है, अब उसको उसके बारे में इल्म नहीं है, उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन उसके बारे में कह दे जी आप सही कह रहे हैं, इलम नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए क्या कह दे आपने बिल्कुल सही कहा है, तो गोया के जो हदीस मुबारका के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर आपको उसके बारे में तस्दीक कर देते हैं तो गोया के आपने कुफर किया। तो डे स्टूडेंट्स, यही इसलिए कहा गया है कि पहले तोलने से पहले, बोलने से पहले इंसान को तोल लेना चाहिए। तो ऐसे अगर अपने इंसान बोलने से पहले ये सोचे, 100 बार सोचे कि मैं क्या अल्फाज अपने मुंह से नकार रहा हूं, खास तौर पे कुरान हदीस के बारे में, अगर कोई आपसे शरी मसला पूछ भी लेता है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं रखते, तो उसे अपनी इज्जत बढ़ाने की खातिर उसको ये ना कहें कि ये बात ऐसी है जैसे आप कह रहे हैं, क्यों, आपको तो इल्म नहीं है, आप तो जाहिल हैं। लेकिन वो भी जाहिल है, वो आपसे पूछे चलें वो जाहिल नहीं है या आप जाहिल नहीं है, लेकिन वो आपसे किसी चीज़ की तस्दीक कर रहा है, आपको उस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, तो कहें ला अलम, मैं नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। अपनी कुछ वक्त की इज्जत, कुछ लोगों के अंदर अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए क्या करना, कह देना कि ये बात दुरुस्त है, तो कुफर, दीन इस्लाम से फारिग, दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बाद अवकात ये भी होता है कि लोगों जब किसी कारी साहबान से, उलमाए कराम से कोई क्वेश्चन पूछ लें तो वो उनके जहन के अंदर ना हो या उनको उस बारे में इल्म नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि कारी साहब को हर चीज़ के बारे में, उलमाए कराम को हर चीज़ के बारे में पता हो, बेवकूफ़ तो उसी वक्त पूछो, उसी वक्त ये आपको उसका आंसर मिल जाए, बेसुन ऐसा नहीं है। तो अगर किसी से आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है उसके बारे में, तो फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसको तो किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, इसने 8 साल की दरस इंतजामी की है, इसने फतवे देता है, ये फलां करता है, ये मुफ्ती बना हुआ है, इसको तो किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। तो डे स्टूडेंट्स, देखे कि इस्लाम में कुएं की मानिद है, जब इंसान कुएं के अंदर गिर जाता है तो वो कुआं उसको अपनी गहराई के अंदर लेकर जाता है, गहराई के अंदर। तो दीन इस्लाम भी ऐसे है, दीन इस्लाम को छोटा नहीं है कि इंसान इसको समझ ले, इंसान पूरी जिंदगी इसको समझने की कोशिश करता रहे, लफ्ज़ इस्लाम के अलिफ को नहीं समझ सकता, तो लफ्ज़ इस्लाम के अंदर जो कुछ है वो समझना बहुत बड़ी दूर की बात है कि इंसान उसको समझ सके। तो डे स्टूडेंट, इसलिए ये क्या कहा गया है कि अगर किसी इंसान ने किसी को गलत फतवा दे दिया, उसको उसके बारे में इल्म नहीं था, तो जो वो गलत फतवा दिया है उसने, देखे कि जैसे किसी मर्द ने अपनी बीवी को, तुम्हें 3 तलाकें हैं, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक कहने से औरत को तो तलाक हो जाएगी, लेकिन अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को कहता है कि तुझे 3 मरतबा तलाक देने से तलाक नहीं हुई, उसको तो उसके बारे में इल्म नहीं था, जाहिल था, लेकिन वो दूसरे बंदे ने उसके ऊपर यकीन करते हुए उसको अपनी बीवी तस्लीम करता रहा, तो फिर जितनी देर तक उसने उसको अपनी बीवी तस्लीम किया, तो फिर वो गुनाह किसके सर पर जाएगा, जिसने उसको मशवरा दिया था, जिसने उसको फतवा दिया था। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करें, कहें कि मैं इस चीज़ के ला अलम हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता। तो डे स्टूडेंट्स,
जिसने अपने भाई को ऐसा मशवरा दिया जबकि इसे उस चीज के बारे में इलम था, लेकिन उसने उस चीज के बारे में उसको उल्ट मशवरा दे दिया, गोया कि इसने उसके साथ खयानत की। पीछे भी मैंने आपको मुनाफिकीन की जहां अलामतें स्टूडेंट बताई हैं, वहां अमानत के अंदर खयानत करना यह भी मुनाफिकीन की अलामत में से है। अब डे स्टूडेंट, हमारे मुआशरे के अंदर क्या होता है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप क्या कहेंगे, आपसे कोई मशवरा मांगे, आप चाहेंगे कि उस बात के अंदर, उस काम के अंदर उसका नुकसान हो, फायदा ना हो। हमारे मुआशरे के अंदर लोगों का किसी का फायदा हो रहा हो ना तो हम उसके ऊपर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी में परेशान होने की बजाय मुसलमान होने के नाते, उसका दोस्त होने के नाते हम खुश होते हैं। तो डे स्टूडेंट्स, ये क्या कहा गया है, अगर आपको किसी चीज के बारे में इलम था कि यार ये इसके अंदर इसका फायदा है, मुसलमान भाई का, मेरे दोस्त का इसके अंदर फायदा है, तो आप उसके बारे में उसको नुकसान बता दें, या किसी चीज के बारे में उसको नुकसान था आप उसको उसके बारे में फायदा बता दें, तो डे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये भी आप फिर उसकी मानत, अमानत अगर किसी के पास रखी जाए ना, जिस तरह के कुफार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन आपको सादुकुल अमीन जानते थे, कि वो ये जानते थे कि अगर अल्लाह के नबी के पास अपनी मानते रखी जाए तो उसके अंदर खयानत नहीं करेंगे। देखें कि काफिर हैं, अल्लाह के नबी को मानते नहीं है, मानने के नबूवत को मानने का इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना यकीन है कि वो अपनी मानते अल्लाह के नबी के पास जमा करवा रहे हैं। तो डे स्टूडेंट्स, ये आज की हदीस नंबर 7 है। आज हमने 3 हदीस मुबारक पढ़ी हैं, हदीस नंबर 5, हदीस नंबर 6 और हदीस नंबर 7। डे स्टूडेंट्स, अगर इन 3 हदीसों के अंदर आपको कोई बात समझ में ना लगी हो तो डे स्टूडेंट्स आपको मैसेज शेयर के अंदर मुझसे पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम डे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू जिस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो डे स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने हदीस नंबर 7 तक पढ़ लिया था, तो डे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम हदीस नंबर 8, 9, 10 का मुताला करेंगे और साथ इसके अलावा हम अस्माल हुस्ना पर बात करेंगे। तो डे स्टूडेंट्स, हदीस नंबर 8 की तरफ देखते हैं, बुक्स पे तवज्जो करें। अल हया ला याती इल्ला बिखैर, हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। हया किस चीज़ का नाम है, अपने घर के अंदर अपनी माँ, बहन, बेटी और ख़ुद अपनी निगाहों की हिफाजत करने का नाम हया है। जब इंसान हया करता है तो उससे फिर क्या होती है, माशरे के अंदर क्या पैदा हो जाती है, भलाई पैदा होती है। एक और हदीस के अंदर बयान किया गया है कि हया ईमान का हिस्सा है। अब इंसान हमारे डे स्टूडेंट्स, हमारे माशरे के अंदर भी आपको पता है कि तरह तरह के आजकल के माशरे के अंदर लोग बुरे कामों के अंदर मुबतला हैं, किसी की बहन बेटी के ऊपर बुरी निगाहों से देखा जाता है, लेकिन ये हया नहीं है, इससे भलाई इंसान को हासिल नहीं हो सकती। लेकिन हया को ईमान का हिस्सा भी कहा गया है, और डे स्टूडेंट्स ये भी कहा गया अगर इंसान हयादार है तो उसके लिए क्या है, उसके अंदर भलाई है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी हदीस मुबारका के अंदर है कि एक अल्लाह के नबी, जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ लेकर गए तो आप क्या देखते हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी ने कहा मैंने जन्नत का भी नज़ारा किया और जहन्नम का भी नज़ारा किया। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने मर्दों की बनिस्बत औरतों की तादाद ज़्यादा जहन्नम के अंदर देखी। इसी तरह एक बेटी ने अपने बाप से पूछा कि मेरे बाप मुझे बताएं कि मैं जिस्म का कौन सा हिस्सा खुला छोड़ूं और कौन सा हिस्सा ढांप लूँ। तो बाप ने आगे से क्या कहा, कहा कि बेटी जितनी कल क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना जिस्म का हिस्सा खुला छोड़ दो, बाकी को क्या कर लो, ढांप लो। मर्द का सतर क्या है, नाव से लेकर घुटनों तक, ये मर्द का सतर। नमाज के अंदर भी इसको ढांप लेना ज़रूरी है और आगे पीछे भी इस चीज़ का इसका ख्याल रखना चाहिए। और औरत का सतर क्या है, औरत कितने जिस्म को ढांपेगी, औरत का पूरे जिस्म को ढांपने का नाम सतर है। औरत के हाथ, पांव, चेहरा, हर चीज़ ही उसका क्या है, हया के अंदर, पर्दे के अंदर आ जाती है। तो इसलिए डे स्टूडेंट्स, इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है, हया से हमेशा भलाई ही पैदा होती है। और दूसरी हदीस इसके रिलेटेड अगर देखी जाए तो वो क्या है कि हया ईमान का हिस्सा है। तो डे स्टूडेंट्स हदीस नंबर 9 देखते हैं, बुक्स पर तवज्जो करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्कन तय्यिबन व अमलन मुतकब्बलन। तर्जमा, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म, हलाल रोज़ी और कबूलियत वाला अमल मांगता हूँ। इस हदीस के अंदर 3 पहलू बयान किए गए हैं हदीस नंबर 9 के अंदर। नंबर पहला, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म,
फायदा देने वाले इलम से क्या मुराद है कि ऐसा इलम है जिस पर खुद भी अमल कर सकूं और लोगों भी उस पर अमल करके मुस्तफीद हों, लोग उससे फायदा उठा सके। मैं ऐसा इलम तुझसे चाहता हूं, यह ना हो कि मैं ऐसा इलम चाहूं मैं खुद भी उस पर अमल पैरा ना हो सकूं, मैं खुद भी उस पर अमल ना कर सकूं। जब इंसान खुद अमल नहीं करता, अगर हम खुद नमाज नहीं पढ़ते, किसी को नमाज पढ़ने का हुक्म दे, वो कहेगा आप तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, आप खुद ये नेकी का काम नहीं करते, मुझे नेकी का काम करने का हुक्म दे रहे हैं। टुडे स्टूडेंट्स, जो पहले हम खुद नेकी का काम करते हैं, इसलिए कहा गया है कि किसी को बात करने से पहले इंसान को अपने गिरेबान के अंदर झांक लेना चाहिए ताकि उसको इस बात पर दलील हो जाए, उसको इस बात पर पता चल जाए कि जो बुराई उस बंदे के अंदर पाई जा रही है, जो वो बंदा बुरा काम कर रहा है, जो उस वो बंदा दीन इस्लाम के खिलाफ चल रहा है, क्या वो बुराई मेरे अंदर तो नहीं पाई जा रही। तो डिसऑनर, अगर आपके अंदर वो बुराई पाई जा रही है तो सबसे पहले अपने अंदर से वो खत्म करें, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जा हूं। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर क्या होता है, ये होता है कि वो बुराई कर रहा है उसको मना किया जाए, लेकिन खुद नेक बन जाते हैं, खुद साले बन जाते हैं कि मुझसे बड़ा तो कोई नेक मुआशरे के अंदर आया नहीं है, मैं तो मुत्तकी परहेजगार हूं। लेकिन अगर इंसान को किसी के अंदर ऐब नजर आ जाए तो उसको उसको इस तरीके से ऐब बताएं, किसी लोगों को बताना नहीं चाहिए लेकिन हमें ऐब का पता चल जाए, हम तमाम लोगों के अंदर उसके ऐब को बयान करते हैं, यार ये फलां शख्स ऐसा है, ये फलां शख्स ऐसा है। लेकिन मकसद क्या होना चाहिए, हज़रत अली का भी कॉल है कि मकसद अगर आपको किसी का ऐप, अगर किसी के घर आप जाते, मकसद आपका दरवाजा खटखटाना हो, दरवाजे पे दस्तक देनी हो, दरवाजा तोड़ना नहीं है। इसीलिए अगर किसी का ऐप आपको पता चल जाता है तो स्टूडेंट्स उसका ऐप सिर्फ उसको बताएं आपके अंदर ये खामी है, आप इसको दूर कर लें। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों के अंदर इसको जिलोल रसवा करते हैं, यार ये तो बंदा फलां ऐसा है, ये फलां ऐसा है, हालांकि उस तरह की बुराइयां उस इंसान के अंदर खुद भी पाई जाती हैं। लोगों का ऐप इंसान को नजर आता है लेकिन जो अपने अंदर ऐप पाए जाते हैं इंसान उसको छुपाता है। लेकिन हदीस मुबारक के अंदर डी स्टूडेंट्स ये भी है कि जो किसी का दुनिया के अंदर कोई ऐप छुपाएगा, पर्दा डालेगा, कल क्यामत वाले दिन, क्यामत वाले दिन जिस तरह माँ, जिस दिन माँ बाप बेटा कोई किसी के काम नहीं आएगा, अल्लाह ताला उसके माल पर क्या कर देगा, पर्दा डालेगा। तो डी स्टूडेंट्स, हलाल रोजी और कबूलियत वाला अमल मांगता हूं। हलाल रोजी, हमारे मुआशरे के अंदर हलाल रोजी की तमन्ना नहीं की जाती, हमें यह है कि हमारे पास दौलत की फरावानी आ जाए, मालो दौलत आता रहे, लेकिन हमें इतना फर्क नहीं पता चलता कि क्या है ये रिज़्क हलाल का हम खा रहे हैं या हराम का खा रहे हैं। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह की वालदा ने आपको कभी बाहर का खाना नहीं खिलाया लोगों के घर से आता था, क्यों, उनको ये चक था कि हो सकता है ये खाना पता नहीं हलाल का है या हराम का है। टुडे स्टूडेंट्स, हमें भी चाहिए कि हम हराम और हलाल के अंदर तमीज करने वाले इंसान बने, तो फिर हमारा मुआशरा बुलंद तरक्की की तरफ जा सकता है। और यह भी कहा गया है कि मेहनत से रोजी कमाने वाला हबीबुल्ला, अल्लाह का दोस्त कहा गया है जो मेहनत से रोजी कमाता है। एक बंदा जो मेहनत से कमाता है, जैसे कि गरीब इंसान है, सुबह जाता है मजदूरी करता है, हलाल कमाता है और लाकर अपने बेटों को खिलाता है और सो जाता है और उसको नींद की सुकून भी आती है। लेकिन ऐसे लोग जो लोगों के नाजायज तरीके से माल पर काबिज हैं, गरीब लोगों की जगह पे कब्जा कर लिया, नाजायज तरीके से हलाल और हराम को नहीं जानते हुए क्या कर लिया, लोगों की जगहों पर कब्जा कर करके अपनी आल औलाद के लिए उन्होंने जगह को इतना वसी करके उनको दे गए ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी बैठ कर खाती रहें। लेकिन अपनी कब्र के अंदर किसने हिसाब देना है, जिसने लोगों की जगह के ऊपर नाजायज तरीके से काबिज हैं, कब्जा किया हुआ है, औलाद ने हिसाब किताब नहीं देना। औलाद तो ऐसी है कि जो मरने के बाद वालदैन की कब्र पे जाके हाथ उठाकर दुआ भी नहीं मांगती। तो ये स्टूडेंट्स, इसलिए हमें हलाल और हराम के अंदर तमीज करनी चाहिए। और ये भी है कि अगर इंसान हराम की कोई चीज खाता है, कोई चोरी की चीज खाता है, जब वो चीज इंसान के पेट के अंदर रहती है तो आसमान के फरिश्ते उस बंदे पर लानत भेजते हैं, लानत भेजते रहते हैं। अगर वही चीज इंसान के पेट के अंदर रहे और इंसान इस दुनिया से पर्दा कर जाए, फोत हो जाए, तो गोया के वो ईमान की हालत में इस दुनिया से नहीं गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें हलाल और हराम के अंदर तमीज कर लेनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हदीस नंबर 9 के हमें क्या पहलू देखने को मिले हैं, एक तो ये है कि अल्लाह ताला बेशक मैं तुझसे वो इल्म हासिल करता हूँ जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, लोग उससे मुस्तफीद हो सके। आगे नंबर 2 पे है हलाल रोजी और नंबर 3 पे है कबूलियत वाला अमल मांगता हूं, ऐसा अमल करूं कि जो तेरी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत ही कबूलियत हो।
अब देखे कि इंसान नमाज पढ़ता है ठीक, लेकिन वो अल्लाह ताला की बारगाह में पता नहीं कबूल है या नहीं है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स हर, लेकिन ये भी हदीस में है कि हर मुसलमान के भाई के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी वाहिद इबादत है जब भी की जाए जिस हाल में भी की जाए अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल ही कबूल है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें अगर कोई परेशानी हो या कई परेशानी के अंदर हम मुबतला हों या कोई ऐसी परेशानी कोई चीज़ हमें टेस्ट के दौरान भूल जाती हो या सबक करने के अंदर हमें परेशानी आती हो तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए, उससे हमें बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। एक तो ये फ़ायदा होगा जो हमारी हदीस मुबारका में है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके लिए एक आफियत का दरवाज़ा खोल देता है, और भी एक जो मुझ पर 50 मरतबा दुरूद भेजता है कि मैं कल क़यामत वाले दिन उस बंदे से मुसाफ़ा करूँगा। लफ्ज़ मुसाफ़ा का मतलब है उस बंदे से मैं सलाम करूँगा। लेकिन हमारे माशरे के अंदर कोई MP हो, MNA हो या बुलंद दर्जे का हो, हम उसे क्या करते हैं यार एक दफ़ा इस बंदे से सलाम ले लिया जाए। लेकिन जिसकी खातिर दुनिया और आसमान बने दोनों जहाँ जिसके लिए अल्लाह ताला ने बना दिए, अल्लाह के नबी ने कहा जो मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ता है कल क़यामत के दिन मैं अपने बंदे से क्या करूँगा, उसे अपनी उम्मती से मुसाफा करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स हदीस नंबर 10 देखते हैं, बुक्स पे तवज्जो करें। कुल्लु मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून माल और इज्जत हराम है। इस हदीस नंबर 10 के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमें तीन पहलू देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला जो पहलू वो क्या है, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, मुसलमान को चाहिए कि वह दूसरे मुसलमान का खून ना बहाए, कत्लो गारत ना करे। लेकिन डिस्टूडेंट हमारे माशरे के अंदर आजकल कत्लो गारत आम छोटी मोटी भी लड़ाई हो उसके ऊपर क्या गन पॉइंट पे क्या किया जाता है, फायरिंग करके दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन उसका बदला क्या है, कत्ल करने वाले का खून का बदला कुरान पाक में खून ही कहा गया है। माल ये है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई गरीब है, अगर कोई छोटा बच्चा उसके पास वालदैन उसके कोई दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार होता है मामू चाचू ताया जो करीबी घर के साथ रहता है वो क्या करते हैं यार छोटा बच्चा है वो उसके माल पर काबिज हो जाते हैं, लेकिन हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। डियर स्टूडेंट्स नंबर 3, और इज्जत हराम है। हाँ इज्जत, हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, जिस तरह के डियर स्टूडेंट्स हमने ऊपर हदीस नंबर 8 में भी पढ़ा है हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। हया और इज्जत, इज्जत क्या है, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अदबो एहतराम करना चाहिए, हमें किसी मुसलमान भाई की इज्जत को पामाल नहीं करना चाहिए। वो तो अल्लाह ताला वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी आज हदीस नंबर 10 मुकम्मल, आज हमने हदीस नंबर 8, 9 और 10 को पढ़ा है। आज हमारी हदीसें जो 10 है 9th क्लास का जो हमें सिलेबस के अंदर था आज वो कंप्लीट हो गया। और डियर इसके नीचे आप देखें अस्माउल हुस्ना, अलस्मा इसम से निकला है, इसम किसे कहते हैं, नाम को। अब देखें डियर स्टूडेंट्स हम इसके अंदर अल्लाह ताला के नाम का नाम पढ़ते हैं, साथ उन्होंने उसके अंदर तर्जमा भी लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स पहला देखें अर रहमान नहायत मेहरबान, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला से बढ़कर अपने बंदे पर मेहरबान नहीं हो सकता। एक माँ जितना प्यार एक माँ करती है अपने बेटे से कोई उसको दर्द दुख तकलीफ नहीं आने देती, लेकिन अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है, रहमान रहम करता है। नंबर 2 अर रहीम हमेशा रहम फरमाने वाला है, अल्लाह ताला अपने बंदे पर बहुत ही मेहरबान है, बहुत रहम करता है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता ये बंदा मेरी नाफरमानी कर रहा है तो मैं क्या करूं इसको इस पर गुनाह दूं, नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदे पर क्या करता है, रहम करता है। अगर बंदा गुनाहों से तोबा कर ले तो अल्लाह ताला अगर समुंदर की जाके बराबर क्यों ना गुनाह हो सवाए शिरक के तो अल्लाह ताला क्या कर देता है, माफ कर देता है। नंबर 3 अल मालिक बादशाह, सदा बादशाही किसकी है, मेरे खुदा की है, वाहदहू ला शरीक की है। कुछ जो बादशाह है जो मुल्क के अंदर वजीर आजम बनते हैं वजीर आला बनते हैं इनकी बादशाह कुछ देर के लिए होती है और कुछ मखसूस एरिए के लिए होती है, कुछ मखसूस मुल्कों के लिए होती है। एक मुल्क का बादशाह एक है ठीक है, लेकिन तमाम मालिक का बादशाह तमाम कायनात का बादशाह किसकी ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है। नंबर 4 अल-कुद्दूस हर ऐब से पाक, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब पाया जाता है लेकिन अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। नंबर 5 अस्सलाम सलामती देने वाला, अस्सलाम सलामती देने वाला। नंबर 6 अल मुमिनु
ईमान बख्शने वाला, अमान, अमान अमन से निकला है, सलामती भी पीछे वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब भी अमन है, लेकिन यहां पे अमान अमन से निकला है बख्शने वाला। अल मुहैमिनू हिफाजत करने वाला, अल्लाह ताला क्या है अपने बंदों की हिफाजत करने वाला है। नंबर 8 अल अजीज इज्जत और गलबे वाला, इज्जत और गलबे वाला। ये जो डियर स्टूडेंट्स मैं ये जो नाम ले लूं ये अल्लाह ताला की सफात है, ये अल्लाह ताला के अंदर ये तमाम अस्माए और हुस्ना अल्लाह ताला के नाम है और इनके मायने बता रहा हूं कि अल्लाह ताला हर ऐब से भी पाक है, अल्लाह ताला रहमान भी है, अल्लाह ताला रहीम भी है, अल्लाह ताला मतलब कि सलामती वाला भी है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर भी मेहरबान है। अल जब्बारू बहुत जबरदस्त। नंबर 10 पे देखे अल मुतकब्बिरू बहुत बड़ाई वाला। नंबर 11 अल खालिकू पैदा करने वाला, पैदा करने वाली जात सिर्फ किसकी है, पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, कोई इंसान किसी को पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप क्या बनते हैं, सिर्फ सबब बनते हैं और अल्लाह ताला फिर क्या करता है उनको आलमिरवाज से फिर माँ के पेट से, माँ के पेट से फिर इंसान जवानी बचपन में, फिर बचपन से जवानी की तरफ जाने से बुढ़ापे की तरफ, फिर बुढ़ापे से फिर दुनिया से कब्र की तरफ इंसान, और फिर कब्र से आगे माशर की तरफ, फिर माशर के बाद क़यामत वाले दिन से जन्नत और जहन्नम। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला जिन लोगों के गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह ताला मेहरबान है, अल्लाह ताला बख्श कर लोगों को गुनाहों को माफ़ करके उनको जन्नत में, जिन लोगों ने पुख्ता दिल के साथ कलमा पढ़ लिया वो हर इंसान जन्नत में दाखिल होगा। तो डे स्टूडेंट्स नंबर 12 देखे अल बारियू अदम से वजूद में लाने वाला, जो चीज ना मुमकिन थी, जो चीज पहले नहीं थी, जिस तरह के इंसान की बुनियाद रखी जाए, माँ बाप से क्या है इंसान का वजूद आता है, फिर इंसान माँ के पेड़ में कुछ माह गुजारने के बाद दुनिया में आता है, फिर जवान, फिर बुढ़ापे में फिर इंसान दुनिया से पर्दा कर जाता है। अल मुसव्वीरु शक्लो सूरत अता करने वाला, किसी इंसान को जैसा भी अल्लाह ताला ने बना दिया है वो क्या है अल्लाह ताला की ज़ात सफात। ये नहीं कि इंसान को किसी उसकी शक्ल के बारे में हम किसी को बुरा, लेकिन आम माशरे के अंदर ये होता है कि अगर किसी के चेहरे का रंगत काली हो, रंग काला हो, तो उसको काला कहकर बुलाना शुरू कर देते हैं। डे स्टूडेंट्स इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को उसको उल्टे नाम के साथ पुकारें। डिस्टूडेंट्स आगे देखे अल गफार बहुत बख्शने वाला, अल्लाह ताला से आप गुनाहों की बख्शिश मांग कर तो देखें, अल्लाह ताला तो कहता है बंदे मेरी दहलीज पर आ तुम मुझसे बख्शिश मांग मैं तुझे बख्श दूंगा। आगे देखें अल कहारू सब पर गालिब। नंबर 16 अल वहाबू बहुत अता फरमाने वाला, जितना अल्लाह ताला अपने बंदे को अता कर सकता है कोई इंसान अपने किसी इंसान को अता नहीं कर सकता, करेगा भी कुछ वक्त के लिए करेगा, कुछ चीज़ देगा, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि जितनी चीज़ मेरे पास है इससे बढ़कर किसी के पास हो सके, तो कब्र गुरूर हसद इंसान के अंदर आ जाता है। तो डे सुन अल्लाह ताला जितना भी बंदा मांगता है, अल्लाह ताला तो बेनियाज है, उसके खजाने बहुत वसी हैं, तो जब बंदा अपने रब से मांगता है दुआ करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। हदीस मुबारक में यह भी आता है कि अगर किसी इंसान को नमक तक की हाजत है तो अपने रब के सामने हाथ फैलाए, किसी इंसान के सामने हाथ ना फैलाए। अर्रज़्ज़ाक बहुत रिज्क देने वाला, जैसे कि कुरान पाक के अंदर भी आयत है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतर रिज्क देने वाला है। नंबर 18 अल-फत्ताहु बड़ा मुश्किल कशा, हर परेशानी का हल निकालने वाला, किसकी ज़ात है अल्लाह ताला की ज़ात है। अल-अलीम बहुत जानने वाला, डिस्टूडेंट्स अगर हम कोई काम करते हैं उसमें यह होगा कोई ऐसा हमने काम किया है जो हम लोगों की नज़रों से तो बच सकते हैं, लेकिन हम तो जहन के अंदर तसव्वुर करें, दिल के अंदर तसव्वुर करें, लेकिन अल्लाह ताला क्या है उस चीज़ को जानने वाला है। किसी हमें लोगों के सामने तो ज़िलुर रुस्वा होने से हम बच सकते हैं, गुनाह करते हैं, ओए दाएं भाई देखने को इंसान तो नहीं देख रहा, लेकिन डे स्टूडेंट्स अगर हमारा किदा ये हमारे दिमाग में ये बात हो यार कोई इंसान तो नहीं देख रहा लेकिन खुदा तो हमें देख रहा है। इसी तरह बहादुर ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ने अपने तमाम मुरीदीन को कबूतर दिया, कहा कि इनको उस जगह पर ले जाओ जहाँ पे आपको कोई भी ना देख रहा हो। तमाम मुरीदीन को जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, कोई वीरान जगह पर चले गए, सब जो मुरीदीन थे आपके सब कबूतरों को ज़िबा करके ले आए, लेकिन उनमें से एक मुरीद था जो कबूतर को ज़िंदा ले आया। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप कबूतर को क्यों ज़िबा करके नहीं लाए,
कहा कि मैं हर जगह गया हूँ, मैं जंगल में भी गया हूँ, पहाड़ों के अंदर भी गया हूँ, वीरान जगह पर भी गया हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा यार मुझे कोई इंसान तो नहीं देख रहा, लेकिन जिसने मुझे पैदा किया मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने कोई ऐसी जगह नहीं पाई जहाँ मुझे खुदा ना देख रहा हो। तो फिर अज़र बहादुर ज़िक्र मुल्तानी ने क्या कहा, यही बंदा क्या है, कामयाब है। नंबर 20, अलकाबिजु, रोज़ी तंग करने वाला। अब ये सुनो, अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहता है रोज़ी फराह कर देता है, वसी कर देता है, और जिस बंदे की चाहता है रोज़ी को कम कर देता है। अगर इंसान का बाद औकात ऐसा भी होता है, इंसान का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्क था, तो अल्लाह ताला ने उसे कुछ रिस्क ले लिया, बंदा ना शुक्री करेगा शुक्र, लेकिन इंसान तो फिर ना शुक्री करेगा, मेरे पास इतनी मालो दौलत थी, अब मेरे पास घर का निज़ाम चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो हालांकि जब इंसान को अल्लाह ताला बुलंद दर्जे पर फाइज करना चाहता है, तो फिर उसको तरह तरह के मुश्किलात मसाइब से गुजारता है, उसका इम्तिहान लेता है। तो ये स्टूडेंट्स, हमें हर मतलब के जो भी हमारा इम्तिहान हो या हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात हों, आसानियाँ हों, में हर हाल के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने 8, 9, 10 तीन हदीस पढ़ी हैं और अस्माउल हुस्ना 20 अल्लाह ताला के नाम पढ़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर डियर स्टूडेंट्स किसी बच्चे को समझ नहीं लगी तो कमेंट सेशन के अंदर क्वेश्चन करके पूछ लें। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू जिस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर हमने 10 अहदीस मुबारका पढ़ी थी और साथ उसके अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के 20 नाम पढ़े थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसके एमसीक्यूज़ और 5 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो करें, पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। कोई ऐसा काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आपने खामोशी इख्तियार की हो। सहाबा ने या किसी शख्स ने अल्लाह के नबी के सामने कोई ऐसा काम सर अंजाम दिया हो जिस पर अल्लाह के नबी ने खामोशी इख्तियार की हो, तो वो क्या कहलाता है? नंबर 1, अलिफ सिफत, बा कौल, जीम तकरीर, दाल अमल। तो डे स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर वो क्या है? तकरीर। वो क्या कहलाता है? वो तकरीर कहलाता है। डे स्टूडेंट्स, दूसरा एमसीक्यू देखें। कुरान मजीद की तज़ीह तशरीह का पहला अमली माखज़ है। कुरान के मजीद की तशरीह मतलब कि कुरान के अलावा जिसको अमली माखज़ करार दिया गया है कि इंसान अपने मसाइल को किससे अखज कर सकता है, निकाल सकता है। तो डे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अमले अहले बैत, तीसरा अमले सहाबा कराम, नंबर 4 पे अमले ताबीन। तो डे स्टूडेंट्स, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ये है, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डे स्टूडेंट्स, तीसरा एमसीक्यू देखें। हदीस मुबारका के मुताबिक रिज़्क में वसअत होती है। डे स्टूडेंट्स, हमने पीछे ये हदीस मुबारका भी पढ़ी थी कि जो इंसान ये चाहता है कि उसके रिज़्क के अंदर वसी हो जाए, वसअत हो जाए, पहले से ज़्यादा उसको रिज़्क मिलने लगे, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करे, उनके साथ अच्छा सलूक करे। तो डे स्टूडेंट्स, उन्होंने 4 एमसीक्यूज़ 4 दिए हैं। सैर व सियाहत से, सुलह रहमी से, तजारत से, इल्म हासिल करने से। तो डे स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर है वो क्या है? सुलह रहमी करने से इंसान के रिज़्क के अंदर वसअत पैदा होगी। तो डे स्टूडेंट्स, नंबर 4 देखें। गलत मशवरा देने को करार दिया गया है। अगर इंसान को किसी चीज़ के बारे में इल्म है, इसके बावजूद अपने मुसलमान भाई को वो गलत मशवरा दे रहा है, तो डे स्टूडेंट्स, इसके भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 खयानत, नंबर 2 गुनाह, नंबर 3 झूठ, और नंबर 4 खुद गर्जी। तो डे स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर वो क्या है? खयानत। डे स्टूडेंट्स, 5वां एमसीक्यू देखें। गुनाह कबीरा में से है। अब गुनाह कबीरा के जब हमने वो हदीस मुबारका पढ़ी थी, उसके अंदर 3-4 पहलू बयान हुए थे, लेकिन यहाँ पे उनमें से एक पहलू का जिक्र किया गया है, बाकियों का जिक्र नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका देखें, जो इसके 4 पूछा गया है, गुनाह कबीरा में से है। गुनाह कबीरा से क्या है? इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए वो 4 हैं। नंबर 1, बुखल, वालदैन की नाफरमानी, नंबर 3, फजूल खर्ची, नंबर 4, ऊंचा बोलना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर है वो ये है कि वालदैन की नाफरमानी करना, ये क्या है? गुनाह कबीरा में से है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 हमारे एमसीक्यू से। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हदीस से क्या मुराद है? हदीस किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है, हदीस के लफ्जी मैनी है गुफ्तगू के हैं। हदीस हदस से वर्ड निकला है, इसका मतलब है किसी से कोई बात करना या किसी से किसी चीज़ के बारे में
گفتگو کرنا، کلام کرنا، ہم کلام ہونا۔ اسلام ہے وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے۔ وہ قول، عمل یا تقریر جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے وہ کیا کہلاتی، کہلاتا ہے؟ وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اقوال میں نے پیچھے بھی آپ کو چیپٹر جب ہم پڑھ رہے تھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے، ریڈنگ کر رہے تھے، تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اقوال قول سے نکلا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات۔ افعال فعل سے نکلا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کام۔ اور تقریر، تقریر اسے کہتے ہیں کہ ایسا کام جو اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا ہو، آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو، نہ اس کو کرنے کا حکم دیا ہو اور نہ ہی اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہو، تو ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ کیا کہلاتا ہے؟ تقریر۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ہم نے پہلا کوشچن پڑھا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کے لفظی معنی گفتگو کے ہیں، مطلب کہ قول، فعل، عمل، تقریر کا نام حدیث ہے جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے۔ قول تو ہم بھی کرتے ہیں، فعل تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے جو ہمارے سامنے برا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو منع بھی نہیں کرتے، لیکن جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے، جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے وہ حدیث کہلائے گی۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی سے کوئی بات کر لیں، کوئی کام کر دیں، یا ہمارے سامنے کوئی ایسا ویسا کام کریں، ہم اس کو باز کریں یا نہ کریں یا خاموشی اختیار کریں، اس کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمیں جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، لا علم، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تو خاموشی ہی اختیار کی جائے۔ تو کوئی اپنے سے جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، کوئی اسلام کے ریلیٹڈ کوئی چیز بتا دینا، گویا کہ وہ کفر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس سوال نمبر دو دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والے کو کیسے قرار دیا ہے کہ جس کے وہ کیسا اخلاق، کس بندے کا اخلاق اچھا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لفظ کامل کا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ کامل نکلا ہے مکمل سے۔ کامل انسان کا ایمان اس وقت ہوگا جب انسان کا اخلاق اچھا ہوگا۔ جب انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اچھا گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، بینک بیلنس ہو، وہ بندہ اچھا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا قرآن حدیث کس انسان کو اچھا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں کیا کہا، مومن میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ انسان کیا ہے؟ ایمان والوں میں سے بہترین ہے۔ اور پھر اس حدیث کا دوسرا موضوع جو بیان کیا گیا ہے کہ اس سے اور اچھا اخلاق والا کون ہے؟ جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، فتنہ فساد نہیں پھیلاتے، گھر کے اندر قرآن و حدیث کے آئین مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، بیوی پر جو مرد کے حقوق ہیں وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتی ہے، اور جو بیوی پر مرد کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتی ہے، اور جو مرد کے بیوی پہ حقوق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمیں اس حدیث سے مطلب یہ پتا چلا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے یا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تھا دوسرا کوشچن۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس تیسرا کوشچن دیکھتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت کے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت لکھیں۔ حدیث کے بارے میں قرآن مجید سے ہمیں دلیل دے کہ حدیث کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کا جواب دیکھیں۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کر بیٹھو۔ مطلب کہ اے ایمان والو، ہمیں کس چیز کی یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو اطاعت، فرما برداری کس کی جائے؟ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی کرنی چاہیے۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کس کی فرما برداری کریں، وہاں اس کے رسول کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو کیا ہے؟ اس کے اعمال جو کیا ہیں، کارت کر دیے جائیں گے، یعنی ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمیں اپنی زندگی کو کس کے آئین مطابق، کس کے سانچے میں ڈال کے گزار دینی چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس سوال نمبر چار دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی مذمت کیسے فرمائی؟ مطلب کہ جو انسان غلط فتویٰ دیتا ہے اس کی مذمت حدیث مبارکہ میں کیا بیان کی گئی ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کا آنسر دیکھیں۔ کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا، گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ جس بندے کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ نالج نہیں رکھتا، تو اس نے کوئی غلط فتویٰ دے دیا،
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे, रीडिंग कर रहे थे, उसके अंदर भी आपको बताया था जिस तरह के एक मर्द अगर अपनी बीवी को 3 तलाकें दे तो तलाक वाकया हो जाती है। यही फतवा अगर किसी जाहिल के पास लेकर जाए वो कह दे कि तलाक नहीं हुई। बाद उकाते लोग ये भी कहते हैं कि कैसे आप 2 तलाकें दी थी, जब तीसरी तलाक देने लगा ना तो छोटे बेटे ने बड़े बेटे या बेटी ने ना मुंह के ऊपर या बड़े भाई ने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया, लफ्ज़े तलाक निकला था लेकिन जाहिर होकर नहीं निकला, किसी ने सुना नहीं है, तो क्या इससे तलाक वाकया हो जाएगी? तलाक वाकया हो जाएगी इससे, लेकिन यही अगर आप किसी जाहिल के पास चले जाएं जिसको इस चीज के बारे में इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं रखता वो, तो किसी चीज के डिस्टेंस वही किसी चीज के बारे में जो इंसान जानता है वही किसी चीज के बारे में दूसरे इंसान को इल्म दे सकता है या बता सकता है। तो फिर क्या है, अगर कोई जाहिल उसको ये कह दे कि तलाक नहीं हुई, वो तो बड़ा खुश होगा, यार तलाक तो वाकया हो रही थी लेकिन मुझे ये कह रहा है कि तलाक वाकया नहीं हुई। तो डेस्टोन जब तक वो औरत उसके निकाह के अंदर रहेगी तो गुनाहगार कौन सा इंसान कहलाएगा जिसने उसको फतवा दिया। तो इसलिए अगर किसी की चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप इलम नहीं रखते, तो डेस्टोन उस पर खामोशी इख्तियार करें। जिसने अपने भाई को ऐसा मशवरा दिया उस था भाई के अलावा है, गोया उसने खयानत की। जिसके बारे में मतलब कि उसने अपने भाई को ऐसा मशवरा दे दिया जिसको उसके बारे में इलम था, लेकिन वो मशवरा दिया जिसके अंदर उसकी भलाई नहीं है बल्कि उसका नुकसान है, तो गोया के उसने अपने भाई के साथ क्या किए, खयानत की है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे खयानत मानत में खयानत करना, ये मुनाफिकीन के अलामात के बारे में भी पीछे आपको बता चुका हूँ, तो ये खयानत करना ये किसकी है, मुनाफिकीन की अलामत में से भी है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के भी 2 पहलू बयान किए गए हैं। एक तो ये है कि बगैर इलम के फतवा ना दिया जाए। नंबर 2, अगर किसी भाई ने आपसे कोई मशवरा मांग लिया है तो आपने उसकी भलाई के अलावा उसे कोई मशवरा दिया तो गोया के आपने उसकी मानत में खयानत की है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे मुआशरे के अंदर भी यही होता है, आजकल भी यही चल रहा है कि अगर किसी ने आपसे कोई चीज़ पूछ ली है, किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज भी था, यार ये बंदा ये काम करेगा इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, अगर ये काम ये करता है ये इसके लिए नुकसानदेह साबित होगा, लेकिन हम अपने भाई को अपने दोस्त को ऐसा मशवरा देते हैं जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो, वो हम उसको नहीं फ़ायदा पहुँचाना चाहते कि उसके लिए फ़ायदा हो, नहीं नुकसान देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर आप अपने भाई के बारे में भलाई भी जानते हो उसको बुरा मशवरा दें तो गोया कि आपने उसके मानत के अंदर क्या की है, खयानत की है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। रिज़्क़ हलाल से मुतल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, हमें रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए या हम हराम भी कमा सकते हैं? नहीं डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस मुबारक से हमें यही सबक मिलेगा, हमें रिज़्क हलाल कमाना चाहिए, हराम से हमें जो भी हराम है, रिज़्क हराम है या और भी जिस तरह के हराम काम है, इस्लाम में जो चीज़ हलाल है वो हलाल है, जो हलाल के अलावा करेंगे वो हराम के नुक्ते के अंदर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या है इसका आंसर देखें। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोजी तलब करो, कोई इंसान अपना रिज़्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। ऐ इंसान, अल्लाह ताला से रोजी तलब करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी इरशाद फरमाया है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतर रिस्क देने वाला है। कोई इंसान से आप मांगे वो आपको कुछ वक्त के लिए कुछ चीज देगा, लेकिन ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि वो आपको तानाजनी करना शुरू कर देगा, लेकिन यही इंसान अगर अपने खुदा के सामने हाथ फैलाता है तो डियर स्टूडेंट्स, उसके फायदे फायदे नुकसान कुछ भी नहीं है। फायदे ये है कि अगर इंसान अपने रब के सामने हाथ फैला रहा है तो एक तो उसको यह है कि अपने रब को वापस करना नहीं पड़ता, तो दूसरा यह है कि अल्लाह ताला उसको अपने बंदों के अंदर जलील नहीं करता कि फलां चीज तूने मेरी ली थी, मुझसे चीज मांगी थी, मैंने तुझे अता की, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरी नाफरमानी कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला अपने बंदे को मतलब कि जलील रुसवा नहीं करता। अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोजी तलब करो, जो हलाल है वो ले लो, जो हराम है उससे बाज आ जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस में हमें क्या सबक दिया गया है, हमें ये सबक दिया गया है कि हमें हलाल रोजी कमानी चाहिए, नाजायज तरीके से गुरबा के मसाकिन के यतीमों के माल के ऊपर काबिज नहीं होना चाहिए। बाद उकाद ऐसे होता है कि जो यतीम होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप वरासत छोड़ के चले जाते हैं, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो उसके माल के ऊपर काबिज हो जाते, कब्जा कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम भी यही है कि जिसने किसी यतीम की परवरिश की गोया के जन्नत में मेरे साथ वो इस तरह दाखिल होगा जिस तरह शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली है,
इस तरह वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। तो डे सेवन जो वो कौन सा ऐसा खुशकिस्मत इंसान होगा जो अल्लाह के नबी के साथ ऐसे जिस तरह ये दो उंगलियां ऐसे मिलकर अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में दाखिल होगा। तो डे सेवन जो सवाल नंबर 5, इसके जो आपके भी दो पहलू हैं, अल्लाह से डरो, जो रोजी अल्लाह से रोजी तलब करो, हलाल कमाओ, जो इंसान के लिए लिख दिया गया है, मुकद्दर में लिख दिया गया, वो इंसान को मिलकर ही रहना है। जो इंसान के मुकद्दर के अंदर नहीं है, जो इंसान के दोनों होंठों के दरमियान में, अगर इंसान के नसीब में वो नहीं है तो इंसान वो नहीं खा सकता। अगर कोई चीज इंसान के नसीब के अंदर अल्लाह ताला ने लिख दी है तो वो दोनों पहाड़ों कई पहाड़ों के दरमियान में क्यों ना छुपी, वो इंसान को मिलकर ही रहेगी। तो ये हदीस के अंदर हमें यह भी कहा गया है कि कोई इंसान अपना रिज़्क़ पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। ये नहीं है कि ये चीज़ मेरी किस्मत में और मैं ना खाऊं मैं दुनिया से चला जाऊं। डे स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता। तो डे स्टूडेंट्स हमने 5 MCQ 5 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, अब डे स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। हदीस नबवी की जरूरत और अहमियत बयान करें। डे स्टूडेंट्स इसका आंसर देखें पेज नंबर 5 के ऊपर, हदीस नबवी की अहमियत और फजीलत। डे स्टूडेंट्स देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका दीन की तालीमात का सर चश्मा और रशदो हदायत का जरिया है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबासत के मकासद में अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर इसका अमली नमूना फराहम करना है। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी एक अहम जरिया है। कुरान को समझने के लिए हम हदीस का मुताला करते हैं तो हदीस से हमें बहुत कुछ कुरान की तरफ इशारा किया जाता है। इस चीज़ के बारे में कुरान में है, इस चीज़ के बारे में कुरान है, तो फिर इंसान हदीस की वजह से कुरान की तरफ चला जाता है। हदीस इशारा दे देता है कुरान की तरफ से, इंसान बहुत कुछ चीज़ें फिर हदीस मुबारका भी से सीखता है और बहुत सी चीज़ें कुरान मजीद से भी मुस्तफ़ीद फ़ायदा उठाता है। बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजिम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं। अमली नमूना क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उस पर अमल करें। हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल और फ़ाल के मुताबिक होनी चाहिए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल आपने कह दिया, जो फ़ेल आपने करके दिखा दिए, तकरीर जो कि सहाबा ने आपके सामने ऐसा काम किया है लेकिन आपने उस पर खामोशी इख्तियार की है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरत मुहम्मद आयत नंबर 33, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत करो। ऐ ईमान वालों, किसकी? अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी करो। जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया उसके आइन मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया मत करो कर बैठो। अगर इंसान अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर डिसिप्लिन जिंदगी नहीं गुजारेगा तो फिर जो इंसान की जिंदगी के अंदर किए हुए अमाल हैं, वो जो नेकियां की हुई हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? तो बाहो बर्बाद हो जाएंगे। इरशाद बारी ताला एक और जगह पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरत हशर आयत नंबर 7 में, वमा अताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फांतहु, और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाए तो उसे ले लो, जिससे तुम्हें मना फरमाए इससे रुक जाओ। तो डिस्टूडेंट देने से रफ से क्या मुराद है? दीस के अंदर जिस चीज़ के मना रहने का हुक्म दिया गया उससे मना रहे और जिस चीज़ पर अमल करने का हुक्म दिया गया उस पर अमल पैरा हों। इन आयात से हमें यह रहनुमाई मिलती है कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का मेयार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल और अफ़ाल हैं। हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से अच्छा गुजार सकते हैं? हम ये चाहें कि हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। देश में ये भी है कि जो दुनिया है ये मोमिन के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए तरह तरह की आजमाइशें आती हैं, लेकिन जो काफिर लोग हैं ये दुनिया उनके लिए जन्नत है। हमारे लिए आखिरत में जन्नत होगी लेकिन काफिर लोगों ने दुनिया को अपने लिए जन्नत समझ रखा है। कोई उनके लिए कुरान नहीं है, कोई हदीस नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही अपने जैसे कि उनके जहन में आता है उस तरह गुजार रहे हैं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो डे स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर जो हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना की कुरान हदीस की हमें तो फजीलत है, इसमें यह है कि जिसे हमें अल्लाह के नबी हुक्म दें उस काम को करें, जिससे हमें बाज रहने का हुक्म दिया जाए उससे बाज रहें। तो डे स्टूडेंट्स हमें इससे पता चला है कि अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के आइन मुताबिक डालेंगे तो इससे हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी।
तो डे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने 5 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, आज की हमारी जो मशक थी वो क्या एक्सरसाइज थी वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो डे स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को एमसीक्यूज में से या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी वर्ड की समझ नहीं लगी या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं लगी, तो डे स्टूडेंट को मस्ता शेयर के अंदर मुझे बता दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो डे स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।